लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड सीख मेरे के बारे में। जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा है और समझा है कि लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड या लॉन्ग हॉलर्स, इसी भी नाम से हम उसे पुकारे, जो हमें सिम्टम्स या जो हमें तकलीफें कोविड इन्फेक्शन हो जाने के 4 हफ्ते बाद होती है कंटिन्यूसली या फिर 12 हफ्तों बाद भी हमें महसूस होती है, उसे हम लॉन्ग कोविड कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारे शरीर के कुछ प्रमुख अंगों पर, प्रमुख ऑर्गन सिस्टम पे ये कोविड का असर कैसे होता है और उससे हमें क्या क्या करना चाहिए, हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि कोविड के बाद कोविड से हम जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाए। इस वीडियो में मैं बात करूंगी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि अपने हृदय के बारे में, दिल के बारे में। लॉन्ग कोविड वैसे तो 20-30% लोगों में दिल को अफेक्ट करते हुए पाया गया है। ये केवल जिन लोगों को पॉजिटिव कोविड, जिन लोगों को सिम्टम्स हुए हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों में नहीं, तो जिन लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं लेकिन वो लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं थे, ऐसे असिम्टोमेटिक यानी कि जिनको कोई लक्षण नहीं थे, केवल टेस्ट पॉजिटिव आए थे, ऐसे लोगों में भी पाए गए हैं। इसके ये होने के मुख्य कारण तो ये है कि हमारा जो दिल का मसल होता है, मांसपेशी होती है, उसे कोविड के कारण इंजरी हो जाती है। वो इंजरी के वजह से हमारे जो दिल का मसल होता है वो कमजोर हो जाता है, वहां पे स्कार फॉर्म हो जाता है। वो स्कार फॉर्म होने के वजह से हमारे जो दिल का कार्यक्षमता होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है, जिसके कारण हमें उसके लक्षण दिखाई देते हैं। ये लक्षण किस तरह से है, काफी बार जो हार्ट अटैक के टाइम पे जो लक्षण आते हैं उस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, या तो थोड़ा लंबे समय के लिए चलने वाले लक्षण जैसे होते हैं उस प्रकार के लक्षण होते हैं। हम जब तपास करते हैं तो हार्ट अटैक के टाइम पे जो हार्ट के एंजाइम्स का मात्रा ज्यादा पाई जाती है, वैसे ही कोविड के बाद वजह से जो हार्ट को शिकायत होती है उसमें भी वही एंजाइम्स हाई या ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जैसे कि ट्रोपोनिन्स, वो मुख्य एंजाइम्स है। अब इसके हमें वैसे लक्षण क्या है, एक तो है बार बार सांस फूलना जो कि काफी लोगों में देखा जाता है। 20-40% लोगों में हम लोगों को चेस्ट पेन या लगातार दिल की धड़कन तेज महसूस होना, जिसे हम पैल्पिटेशंस कहते हैं, ये समझ में आता है। 10% लोगों में, 10% लोगों में दिल की धड़कन जो होती है वो इरेगुलर होती है, कभी तेज कभी स्लो इस तरह से होती है, ये लक्षण भी पाया गया है। छाती में तेज दर्द उठना और अचानक से हार्ट अटैक भी काफी लोगों को इस समय में दिखा जाता है। ऐसे में हमने क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अगर हमें बहुत ही मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम वाला अगर कोविड हो गया होगा तो हमें ज्यादा खबरदारी रखनी जरूरी हो जाती है। माइल्ड कोविड सिम्टम्स में भी कुछ कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। घर का हमारा जो डेली रूटीन होता है कुछ समय के लिए उसे हमें कम करना पड़ता है। अगर हम हमेशा भाग जॉगिंग करने के लिए जाते हैं, अगर हम घर में या घर के बाहर बहुत ज्यादा भागदौड़ी वाला काम करते हैं तो हमें उसे थोड़ा सा स्केल बैक यानी कि थोड़ा सा उसे कम करना बहुत जरूरी होता है। साथ में हमारा वजन मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि हम सही तरीके से खाने खाए और हमारे वजन पे हम कंट्रोल रखें। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या ऐसी कोई लंबी बीमारियां हो तो उसके दवाइयां टाइम टू टाइम लेना जरूरी होता है। शुगर लेवल्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और खुद से इनमें से किसी भी दवाइयों को बदलना बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर जैसे कहे वैसे कंटिन्यू करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्लीज गूगल वगैरह करके अपने आप से सोच के चीजें मत बदलिए। साथ में अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना कम कर दीजिए क्योंकि इससे भी शरीर पे जो स्ट्रेन आता है वो ज्यादा आ जाता है। ज्यादा एक्सरसाइज या हमेशा हम जैसे पहले एक्सरसाइज कर सकते थे, एक्सरसाइज की मात्रा भी कम करना जरूरी हो जाता है। तो पहले अगर हम हफ्ते में 5 घंटे एक्सरसाइज करते थे तो उसकी जगह पे 2 या 3 घंटे यानी दिन में हल्की जॉगिंग या हल्का चलना या अच्छी तरह से योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम ये आधे घंटे के लिए करना, इतने तक ही हमारे एक्सरसाइज सीमित रहना अच्छा रहेगा।
यदि हमें कोई सिम्टम्स ना नजर आए एक 4-5 हफ्तों बाद, तो धीरे धीरे हम हमारी रूटीन वापस पहले की तरह नॉर्मल ला सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई भी मामूली सिम्टम्स भी नजर आए तो अगले 3 महीनों के लिए पूरी तरह से खबरदारी रखना जरूरी हो जाता है। साथ में अगर वैक्सीनेशन ना लिए हो तो कोविड वैक्सीनेशन लेना होता है 3 महीने के बाद। और अगर हमें कोई भी शिकायत हो तो टेली कंसल्टेशन के द्वारा या फिर फिजिकली किसी डॉक्टर के पास जाके सही तरीके से इलाज कराना बहुत ही जरूरी होता है। ये है हमारे कुछ कार्डियक सिम्टम्स, हार्ट के सिम्टम्स और उसके प्रिकॉशंस जो हम लॉन्ग कोविड में ले सकते हैं। नमस्कार।